ये आ गया, आगे बढ़ने का सोचते हैं भाई। दाना डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। कॉकटेल देखें जी, माशाल्लाह अब आपस में मिल गुल चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। यार घर से बेघर होना आप लोगों को कैसा लगता है? ऐसा ही कुछ आज हमारे बर्ड्स के साथ हुआ है, जो घर से बेघर हुए हैं हमारी मुर्गियाँ। उसकी वजह क्या है? लेकिन सबसे पहले हम आपको अपनी मुर्गियों की कंडीशन बताते हैं कि यार उन बेचारियों को घर से बेघर क्यों किया हुआ है। आए आपको दिखाते हैं हमारी मुर्गियाँ हैं कहाँ और क्या कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, हमने उनको यार 1, 2, 3, 4 कार्टनों में बंद कर दिया। ओए होए यार, ये तो जुल्म हो गया। लेकिन सिल्वर सप्राइड इंजॉय कर रही हैं यार, सिल्वर सप्राइड खूब इंजॉय कर रही है, मस्त है और खुश हैं। लेकिन बाकी जो है ना, उनको हमने कार्टन में बंद किया हुआ है। वो बेचारी घर से बेघर हैं, थोड़ी सी अपसेट हैं, थोड़ी सी नाराज़ भी हैं, वो सब भी कर रही हैं। जैसे कि दिखाता हूँ, ये देखें वो जापानी को देखें, गुस्से में है। क्यों गुस्से में है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह इनकी खुशी भी है, इनके लिए बहुत कुछ अभी सरप्राइज़ है। जब दोबारा ये अपने घर में जाएंगे तो बहुत सारा सरप्राइज़ इनके लिए है। तो अभी हमने टेम्परेरी इनको इनमें बंद किया हुआ है। ये देखें ब्लैक बेंटम, ये भी बेचारा नाराज़ होकर बैठा हुआ है। दिखाएं जी थोड़ी देर, मेरे शहजादे थोड़ा सा और सब्र। अब हमें ये टेंशन है कि यार 2 दिन ये बेचारे क्या करेंगे। फीड भी हमें यहीं देनी पड़ेगी। बर्तन कहाँ है मोहिब? बर्तन देना, फीड भी हमें यहीं पे देनी पड़ेगी। और यहाँ पे इनको 1 या 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में क्या बेचारे सरवाइव करेंगे या क्या होगा, ये थोड़ी सी टेंशन है हमें। तो दोस्तों आप लोगों ने दुआ करनी है यार, 2 दिन के लिए जो ये घर से बेघर है ना, उसमें इनको कुछ भी ना हो और ये इसी तरह खुशहाल रहें। दोस्तों आपको ये केज नज़र आ रहा है, इस केज में भी हमारी बहुत सारी यादें हैं। पता है ना मोहिब किसकी यादें हैं? इस केज में हमारी यादें हैं रोज़ीला पैरेट की। हाँ जी, रोज़ीला पैरेट की। तो अभी बंद ना करना, मेरे सर पे लग जाएगी। तो इस केज में, ये इतना खूबसूरत केज था, हमने सेटिंग में जब स्टार्ट में किया था राउंड में, और बहुत खूबसूरत इसमें रेड रोज़ीला थे। तो रोज़ीला जो थे वो भी बड़े खुश थे इसमें। तो फिर किसी की नज़र लगी और वो रोज़ीला भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसके बाद ये उदास पंछी की तरह ये हमने कॉर्नर पे ही रखा, उसके बाद हमने इसको नहीं डाला। तो अच्छा मोहिब, बाद में हमने ये इसको दाना डाला है, पानी भी डालना है, हर चीज़ करनी है। लेकिन अपने दोस्तों को सबसे पहले मास्टर केज में क्या हो रहा है, जो सरप्राइज़ और सस्पेंस है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, सारी मुर्गियाँ हैं, वो दिखाते हैं। आए जी, सबसे पहले मास्टर केज चलते हैं, मास्टर केज में आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। आए जी, सामने फ्रंट पे है मास्टर केज, बच्चे पहुंच चुके हैं मेरे से पहले, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा क्रेज़ है। और काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है और लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो हमने आपको दिखानी है और बतानी है कि असल में मास्टर केज पे कौन सा काम जारी है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स और हमारी मुर्गियाँ बेचारी घर से बेघर हुई हैं। तोतों को यार, उनको भी जाके देखता हूँ, तोतों को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा दिखाएं अपडेट। जो फोरकास्ट थी वो ये थी कि यार बारिश होगी, बादल होंगे, लेकिन शुक्र है मौसम खुला हुआ है। और ये देखें सर, ये यहाँ पे रेत बजरी और मसाला, ये मास्टर केज को एक दफ़ा फिर से हमने जो प्रॉपर काम था, जो मैंने कल कहा था कि मिस्त्री और मज़दूर से अल्लाह की पनाह, लेकिन अल्लाह ने पनाह दी और सर सदका का काम आया। और हमारा जो सदका काम आया, उसके बाद क्या हुआ, बच्चे एक मिनट साइड पे हो ना, मुझे अपने दोस्तों को कुछ दिखाना है, कुछ बताना है। ये देखिए जी, यहाँ तक तकरीबन लेंटर डल चुका है उन पड़ियों पर, वहाँ से ले कर यहाँ तक। और फ्राइडे बेसिकली आपको पता है मेरा टारगेट होता है आउटडोर, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ परचेजिंग करना। लेकिन आज हमने यहीं पर रुककर ये सारा लेंटर डलवाया है, सारा लेंटर डलवा के, और आगे तकरीबन 50% लेंटर रह चुका है, बाकी ये सारा कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों का भी रहता है, पेंट हमने करना शुरू कर दिया है। अनीब भाई अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और पेंट ये अनीब भाई कर रहे हैं इसके साथ, गन के साथ और मशीन के साथ। तो बड़े अच्छे तरीके से कोई भी जगह रह नहीं रही, ताकि खुदा ना खास्ता कभी बारिश होती है तो जंग लगता है तो मास्टर केज ख़राब हो जाएगा। तो कल तक ख़त्म हो जाएगा, तो हनी भाई इंशाल्लाह कल तक ये अपना काम ख़त्म कर देंगे। बाकी रही बात ये फ्रंट पे, ये भी होना है। इसी वजह से हमारे जो बर्ड्स हैं या हमारे जो परिंदे हैं वो थोड़े से अपसेट हैं। वो अपसेट क्यों हैं? कि उनको घर से बेघर इसलिए किया हुआ है कि पेंट का काम भी है, दूसरा काम भी है। अगर देखें तो मस्त माहौल में कौन है? रैबिट। बारिश है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, हम यहीं पे हैं। उनको इतनी मोहब्बत हो चुकी है और उनको अपने अपने खुडे की पहचान हो चुकी है। यकीन करें, यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं, जाके ना सीधा अपने खुडे में चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने, अब मैंने जैसे आपको कल की वीडियो में आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि 50% काम हुआ है, 50% रहता है। तो इस दीवार पर जो काम होगा, बाकी इन साइड मास्टर केज जो काम होगा वो सारा, अब ये देखें आपको कलर पसंद आया, सिल्वर कलर मेटैलिक सा हल्का सा शो हो रहा है, खूबसूरत किस्म का इन्होंने पेंट किया है, जो हमें पसंद आया। होपफुली दोस्तों आपको भी पसंद आया होगा, कमेंट्स में बताइएगा। अब बढ़ते हैं जी अपनी बजरी की तरफ, और बजरी और कॉकटेल और फिर कबूतरों को देख के। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं डॉक्टर हमाद साहब, डॉक्टर हमाद साहब ने हमें कमेंट्स बहुत अच्छा किया, उन्होंने कहा आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो
कम आ रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और साथ साथ जो वीडियो देख रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं। आप जैसे भाई जैसे आप पसंद कर रहे हैं ऐसे वो लोग भी पसंद कर रहे हैं हमारा कंटेंट और साथ साथ अपने हमारी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आते रहेंगे और मोस्ट वेलकम सबको करते हैं जी, सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर साहब अब रुलाओगे क्या? आएंगे आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी जी दोस्तों, ये हैं जी हमारे कॉकटेल। कॉकटेल देखें जी माशाल्लाह अब आपस में मिल गुल चुके हैं और अब इसमें पेयर बनाना ये एक साइंस है। वो इसलिए कि नए जोड़े थे, इसमें अब एक मेल और फीमेल लेके ना हमें अलग से बन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सजेशन थी एक भाई की, उसने हमें कहा था कि मेल और फीमेल पकड़ के ना अलग से आप बन कर दें ताकि इनका पेयर बने। और फरवरी बिल्कुल स्टार्ट होने लगा है, फरवरी के स्टार्ट पर हम ये काम भी करेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह जो हमारी रौनक है, और रौनक में कल वाली पार्ट मेरी याद है आपको दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि नोट कीजिएगा जब मैं दोबारा बजरीज की तरफ आऊँगा तो सबसे पहले मुझे रिस्पांस देगा ब्लू कलर का पैरेट। तो ब्लू कलर वाला पैरेट जो रिस्पांस देगा वो देखिएगा। पानी ले आयो मेरा बेटा, पानी? जल्दी से पानी, बाजरा बाजरा ले आओ। ये देखा ना, इसकी इसी का मैंने कल आपसे कहा था कि सबसे पहले आके मुझे ये रिस्पांस देता है, तो ये आज भी उसी तरह मेरे पास सबसे पहले आया। लॉक पकड़ना, क्या नाम है अब्दुल्ला। इनसे हमारा दिल लगा रहता है, इनका हमसे दिल लगा रहता है। जब हम आते हैं ये अच्छा रिस्पांस देते हैं तो हम खुश होते हैं यार। इसी तरह कॉकटेल को देखें, वहाँ से खुश होकर देख रहे हैं। इधर से आगे कैप्चर कीजिएगा कॉकटेल, कि आहिस्ता आहिस्ता इनको भी पता चल रहा है कि ये टाइम है, ये आता है भाई और हमारे लिए हमारा ख्याल रखता है, दाना डालता है, पानी चेंज करता है, तो इसलिए ये भी खुश हैप्पी हैप्पी। आज हम आउटडोर नहीं गए इसीलिए कि आज हमारा काम जो है मास्टर केज का वो जारी था, इसलिए हम आज आउटडोर नहीं गए, कुछ परचेजिंग नहीं की। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे को चले जाएंगे। और फ्राइडे हम बल्कि यार दोस्तों से अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, ये हमारा शहजादा देखें यार, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसके बड़े प्यारे कलर हैं यार। अगर इसको क्लोजअप किया जाए ना तो इसके बड़े सिल्की सिल्की, और अभी ये दोबारा अपने बाल गिरा रहा है और नए बाल आ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, क्या कर रहा है, ब्रीचिंग या क्या इस तरह का वर्ड्स होता है मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताइएगा। यार एक दोस्त ने हमें कहा था यार डॉग्स नहीं दिखाते, यार डॉग्स हमारे खौफनाक हैं, बड़ा शोर करते हैं, बड़ा डराते हैं, मैं खुद सम टाइम डर जाता हूँ। दोस्तों हमने सुबह जब बाजरा डाला था तो दो कबूतर हमारे उड़ के दरख्त पर बैठ गए थे, एक ये ब्लैक वाला और दूसरा किधर है कोई नज़र आ रहा है, दूसरा भी इसी दरख्त के किसी आसपास कहीं है। अभी हम वो ऊपर बैठा हुआ है, हाँ वो ऊपर बैठा हुआ है। अभी हम अपने कबूतर खोलते हैं, उनको दाना डालेंगे, तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इनको घर की पहचान हो चुकी है, कभी ना कभी ये निकल के इन्हीं दरख्तों में बैठ जाते हैं। तो हमें खुशी होती है कि जब वो वापस लौट के आते हैं तो हमें लगता है कि यार अब वो खुश हैं, हमारे घर का हिस्सा है। दो जी बाजरा दो जी, अब जल्दी से उनकी तरफ भी फोकस कीजिएगा, वो भी आएँ और ताकि पता चले कि यार आ गए। पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो, ये आ गया जी, एक आ गया, देखा ना, ये सुबह से बैठा हुआ था उधर ही, जैसे ही हमने दाना डाला है तो देखें इसको, और इसके गर्दन से भी ये अपने बाल गिरा रहा है और नए बाल आ रहे हैं ब्लैक वाले के। दूसरा है वो ऊपर से ना थोड़ी सी मुर्गियों वाली फीड ले आना, उसमें उस वो रेड वाले उसमें ढक्कन में ले आओ। ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा नीचे आ जा नीचे आ जा, शाबाश ये जी। और मज़े की बात बताऊँ यार दोस्तों, ये इसको इतनी आदत हो चुकी है, ये वो कबूतर हैं जो कि यार हमारे इस घर से यानी प्रवेश करके बड़े हुए हैं, तो अब माशाल्लाह इनको पहचान है कि यार यही हमारा घर है, यही इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, तो ये जो घर से बड़े होते हैं ना तो वो कभी भी कहीं नहीं जाते। तो दोस्तों अब ये हो चुका है, मुर्गी को देखते हैं यार। मुर्गी को अब मैंने कल छेड़ा था तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यार छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर दो तीन दिन रह गए तो अंडों को हवा लग सकती है। वो देखें, अब मैं पास भी जाता हूँ तो उसको उसी से पहले ही अलार्म आना शुरू होता है। इसका सिर्फ दाना डालना है यार, दाना ख़त्म हुआ है, पानी चेंज करना है। इसको निकाल के सिर्फ दाना और पानी वाला बर्तन वो चेंज कर देता हूँ। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कहता, आओ नहीं नहीं नहीं, बस सिर्फ ये चेंज करना है और कुछ भी नहीं, आज इसको छेड़ते नहीं है, ठीक है। फीड ले आया अब्दुल्ला, बस फीड आती है, इसमें फीड डाल के हम इसको मज़ीद तंग नहीं करते। यार आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है यार, आप अपनी राय देते हैं और सजेशन देते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि वीडियो भी आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपको हमारा सेटअप अच्छा लगा, तो इससे हमारे ना क्या होता है कि हौसला अफजाई होती है, तो हमारा दिल और खुश होता है और हम इन चीज़ों से फिर और आगे बढ़ने का सोचते हैं। भाई दाना डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, खाओ तुम। अंडों पर यार देखें, दो अंडे पड़े हुए हैं, अभी ये कबूतरी उठ रही है, ये वाली ग्रे वाली, ये गोल्डन ब्राउन सी है हल्की सी, अब ये उठी है, अब दाना खाएगी, दाना खा के ये वापस जाके अपने अंडों पे बैठ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यार जल्द से जल्द यहाँ से भी कोई खुशखबरी आए, कोई प्यारे प्यारे बच्चे आएँ। तो अब इजाज़त चाहते हैं जी मोहिब, पानी हम वहाँ पे बाद में डालें। कौन सा उड़ा है, क्या उड़ा है, कौन उड़ा है, वाइट वाला आ जाएगा, वापस आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब एक साइड पर होके ना हम जल्दी से ना गुड बाय कर देते हैं। दोस्तों
जैसे कि डॉक्टर हमाद साहब ने कहा है कि हमारी फैमिली का हिस्सा बने, कंटेंट आपको पसंद आता है, आप लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, इसी तरह हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हम सब और आप सब बड़ी सी फैमिली बने। अल्लाह हाफिज़ कर दो जी सबको।